कान खोल के सुन, एक बात बताने आया हूँ, 20K वाली सैलरी की औकात बताने आया हूँ, रैप इंडस्ट्री में कसम से आग लगाने आया हूँ। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? दिस इज योर बॉय कलमकांड और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सुनने वाले हैं नो रिग्रेट्स बाय द अश्वत्थामा। आर्टिस्ट का नाम है अश्वत्थामा, काफ़ी भारी भरकम नाम है। इट्स अ माइथोलॉजिकल नेम एंड अश्वत्थामा महाभारत के एक कैरेक्टर है एंड हु इज बिलीव टू बी स्टिल अलाइव, हु इज बिलीव टू बी इमॉर्टल। तो आर्टिस्ट ने बहुत ही सोच समझ के अपना नाम रखा है ये अश्वत्थामा एंड इट सूट्स हिज कैलिबर। मैंने इस आर्टिस्ट के और भी गाने सुने हैं। चलिए तो आज हम सुनते हैं नो रिग्रेट्स। You can only achieve what you desire, what you see yourself grabbing. There's no nobody will help you make your dreams come true. You out there by yourself. ठीक है, कुछ मोटिवेशनल लाइंस है यहाँ पे, मोटिवेशनल वर्सेस हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज लेजेंडरी टू पाक। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ऑलराइट, सुनते हैं फिर से। और गम को भर के कलम में जख्म को शायरी बना के हूं मैं लिख रहा सफर को दर्द को तू छोड़ मेरा पैर ढांसु शुरुआत में जख्म को एक मिनट हंसी और गम को भर के कलम में जख्म को ओहो आंसू और गम को भर के जख्म को कलम में हो हंसी और गम को भर के कलम में जख्म अच्छा हंसी और मजा एक मिनट वापस सुनते हैं और गम को भर के कलम में जख्म हंसी और गम को भर के हंसी और गम को भर के कलम में जख्म को शायरी बना के हूँ मैं लिख रहा सफर को दर्द को तू छोड़ मेरा पैर है कांटे पे ना आजमा दर्द की क्या पूछते मेरा पैर ही कांटे पे है मैं कांटों पे चल रहा हूँ अनाब मेरे सबर को को तू छोड़ मेरा पैर है काटे पे दरखास्त है ना आजमाना अब मेरे सबर को दम वही कम नहीं छोड़ी कोई कसर नहीं जितने मिले धोखे उतनी जिंदगी सवर गई रहा नहीं कोई तो फिर रखा नहीं किसी को इन छोटी मोटी बातों का जरा भी सवर गई रहा नहीं कोई तो फिर रखा नहीं किसी को ये बहुत ही रिलेटेबल बहुत टची है रहा नहीं कोई भी तो रखा नहीं किसी को होता है ना कि जब हमें धोखे मिलते हैं तो हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं दैट्स व्हाट आर्टिस्ट इज टॉकिंग अबाउट एंड यार काफ़ी काफ़ी पोइटिक लाइन्स है आपने देखा मैंने एक ही चीज़ को लाइक यू नो बार 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 वापस बैक कर दो क्योंकि खास करके वो स्टार्टिंग लाइन्स ना बहुत ही भारी बहुत ही डीप थी इन छोटी मोटी बातों का जरा भी मुझको गम नहीं मैं अपनों से दूर रहता सपनों में चूर मुझे काम का नशा हाँ मेरा काम है जुनून सुम गुमनाम ना ही दिन ना ही रात कैसा वार क्या त्योहार मेरा तारीखों पे ध्यान तुझ पे कितने है इल्जाम मैं ये मैं वो बराबरी ना कर सकोगे रहने ही दो यूं तो कहने को सौ है बात सौ कहानी मैं बोलूं मुंह पे सब मेरी कड़वी है जुबानी आंसू या पानी बहता जो बहने दे कहता वो सच रोक मत कहने दे अंदर सुनामी खुशी है चेहरे पे लुटा दी जवानी ख्वाबों के कहने पे लुटा दी जवानी ख्वाबों के कहने पे ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत हिट किया ये हाँ हम अक्सर अपनी जवानी लुटा देते किसके ख्वाबों के लिए अपने ख्वाबों के कहने पे अंदर सुनामी खुशी है चेहरे पे लुटा दी जवानी ख्वाबों के कहने पे आंधी जलजला ये साथ मेरे चल पड़ा मुझसे आके पूछो कैसे बूंद से भरता घड़ा मुश्किलों के दौर में दुनिया ना आई काम फिर मैंने खुद में तो मुश्किलों का हल मिला सबक तजुर्बा मुझको गलियों से ज्ञान दिल ने देखा एक सपना और लगा दी मैंने जान ना जवाब दूंगा मैं मेरा जवाब देगा वक्त बस मैं निकला हूँ जो पाने मुझको उसका इंतजार अब है कुछ सही बात मैं जवाब नहीं दूंगा मेरा काम जवाब देगा जो मुंह से यू नो जवाब दे देते हैं थोड़े हल्के हो जाते हैं और जो चुप रह के शांत रह के जो अपने काम से जवाब देते हैं वो उसकी चोट ना अपने जो सोसाइटी वाले होते हैं जो जलने वाले होते हैं जो आसपास वाले होते हैं जो आपको कभी नीचे खींच रहे होते हैं उनको बहुत उनकी उसकी चोट बहुत ज़ोर से पड़ती है थोर के हथौड़े जैसी
पे मेरा ध्यान, मैं ना पूछता हूँ सबसे, कर ना पाता वो कभी जो कहता करूँ कल से, ना डरू मैं डर से, बस काम लू अकल से, लड़की में मजा नहीं चुना है रैप जब से, हाँ होते कब से दिल पे मिलके जिससे करूँ सख्त लौंडा कल से, लड़की में मजा नहीं चुना है रैप जब से, हाँ होते कब से दिल पे मिलके जिससे कर लूं बात, उसके हिलते दिल के पुर्जे जिससे मैं मिला लूं आंख, बहुत बहुत है दीवानी, हसीना है और जवानी, पर जिंदगी बनानी तो तन्हाई रखता साथ हमें लेगा अंजा, जिंदगी है बनानी तो तन्हाई रखते साथ। मुझे अभी याद है कुछ दिनों से ना यूट्यूब पे जैसे कुछ वीडियोस के मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ खास करके, तो दो तीन वीडियोस मुझे पॉपअप हुए, उनके थंबनेल्स आए, और उसमें यही था कि अकेले रह के दुनिया बदल दो, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल अकेले कमरे में खुद को बंद कर लो, लिटरली खुद को बंद नहीं करना, मतलब किसी से कोई कॉन्टैक्ट मत रखो, सोशल मीडिया पे ना वो सब दिखो नहीं, बस अपने काम में डूब जाओ। आर्टिस्ट वही बात कह रहा है, हसीना है और जवानी, पर जिंदगी बनानी तो तन्हाई रखता साथ हमें लेगा अंजाम, एक दिन मेहनत का बरसेगा नूर, तू आके बदले रहमत का, जल्द ही बनूंगा कामिल होगा, मुकाम हासिल इंतकाल होगा, सारी तकलीफ और सहमत कामिल मुकाम इंतकाल। उर्दू, फारसी, अरबिक, मुझे पता नहीं है उर्दू है फारसी है या अरबिक है, बट नॉन हिंदी वर्ड्स का अच्छा उपयोग, अच्छा इस्तेमाल किया आर्टिस्ट ने। का खेल है ये देंगा कामिल होगा, मुकाम हासिल इंतकाल होगा, सारी तकलीफ और जहमत का खेल है ये दहशत का जो डरावना देने वाला है खुदा, बड़ा से बड़ा मांग बस, पीछे ना मुड़ और कोशिश कर पूरी, देखना फिर सजदे में झुकेगा आसमान, कितने दावेदार है और कितने हैं हकदार, बनाया किसने नाम और किसने लिया है नाम, जैसे जलते हैं तेजाब एक दूसरे से लोग, यहाँ जाली इंसान एक ही मुंह पे दो दो बात, कहते फिरते कुछ भी जो भी आया मन में कह दिया, पर ऐसी वैसी बातों को तुम मानता तक नहीं मैं, मेरे बारे में वो बोले उल्टी सीधी बात, जिनको नाम और शक्ल से पहचानता तक नहीं मैं, कुछ ना था हाथ में यही होता है, जिनको नाम और शक्ल से पहचानता नहीं वो मेरे बारे में बातें करते हैं। काफ़ी रिलेटेबल बार्स हैं, शब्दों का अच्छा चयन किया है, हिंदी नॉन हिंदी शब्दों का अच्छा उपयोग किया है। जब नाम देखा अश्वत्थामा, सुना अश्वत्थामा हिंदू माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर, तो मन में कहीं ना कहीं आता है कि बंदा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा, कर रहा है। एट द सेम टाइम जो नॉन हिंदी वर्ड्स हैं जो नो प्रचलन में हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उर्दू अरबिक फारसी से, हाँ उन सभी का अच्छा इस्तेमाल किया है, तो ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस इसको अच्छे से रिलेट कर पाएगी, समझ पाएगी। बहुत उल्टी सीधी बात है, जिनको नाम और शक्ल से पहचानता तक नहीं मैं, कुछ ना था हाथ में, ना रोशनी चिराग थे, अपने ही खिलाफ थे, कभी ना आस पास थे, पूछा था मैंने साथ दे तब मुंह फेरा जिसने, देखा मैंने आज वो मिलाना चाहता हाथ है, पर बढ़ गए हैं फासले, हादसों पे हादसे, रिश्ते बने रात से और रखने लगा राज में, नाम बने नाम से, पता था शुरुआत से, मैं निकला था राख ले, पर अब सीने में आग देख खत्म। दे अश्वत्थामा, और कुछ है ठीक है। सो सबसे पहले चीज, आर्टिस्ट से मुझे एक शिकायत है, मुझे हर उस आर्टिस्ट से शिकायत है जिनके लिरिक्स अच्छी होती है, उसके बावजूद वो अपने गाने पे ना वो लिरिक्स नहीं देते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट भी कुछ सोच समझ के ऐसा करता हूँ कि ताकि लोग, मतलब स्लो फ्लो था उतना, है ना, वो चॉपर टाइप का नहीं था कि समझ में नहीं आएगा। आर्टिस्ट शायद ये भी सोचते होंगे कि अगर मैं लिरिक्स नहीं दूंगा यहाँ पे तो लोग मतलब सुनने पे फोकस करेंगे, चलो वो भी सही है, बट मैं चाहता हूँ, मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ, मतलब मेरी आदत बन चुकी है कि मुझे लिरिक्स चाहिए स्क्रीन पे, मैं उससे और अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। तो ठीक है, ये कहानी थी अश्वत्थामा की, और नो रिग्रेट्स टाइटल को जस्टिफाई करना है, टाइटल को जस्टिफाई कर रहा है और ये अपने बारे में बता रहा है। इट्स मतलब कोई येड़े चाले ऐसा कुछ नहीं, आलतू फालतू कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इन्होंने जो जो किया है, जो कर रहे हैं, दैट्स वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। मोटिवेशनल लाइन्स थी। बात करें बीट की, तो भाई बीट किसने बनाई है, बीट बनाई है हमारे अमित कुमार, इट्स ए के आर बीट्स ने, मिक्सिंग मास्टरिंग भाई अमित कुमार, इट्स ए के आर बीट्स। सो भाई बहुत ही बढ़िया काम, अमित कुमार ए के आर, आपने बीट बहुत ही बढ़िया बनाई है, मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत सही की है, और आर्टिस्ट ने बीट के साथ जस्टिस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीट तो आपने खरीद ली, बीट तो आपने बनवा ली किसी प्रोड्यूसर से, आपने कोलैब कर लिया, आपने खरीद लिया, परचेस कर लिया यहाँ से वहाँ से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी, ठीक है, लेकिन बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी की चीज़ को, किसी की अमानत को लेते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ उसको ना उस पर जस्टिस करना होता है, ताकि उस बंदे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई
मैंने जो बीट बना के दी, क्योंकि बीट बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है भाई, मिक्सिंग मास्टरिंग के पीछे बहुत मेहनत होती है, आपको तो पता ही, आई डोंट हैव टू टेल यू दिस। उस बंदे को ना सुकून मिलता है कि यार इसने मेरी अमानत को संभाल के रखा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से मतलब ऊंचाई तक ले गया। तो अश्वत्थामा भाई भाई ने जस्टिस किया है, और बीट की जैसी थीम थी, ठीक है, जैसी वाइब थी वैसी आर्टिस्ट की वाइब थी, और वोकल क्लैरिटी बहुत सुंदर, एक एक चीज़, एक एक वर्ड्स, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर थी। कोई भी जिसको हिंदी कम भी आती है वो भी सुनेगा, इसको समझ जाएगा। एक बार मैं फिर से कहूँगा, आर्टिस्ट को शाउट आउट देना चाहूँगा फॉर हिज सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिस तरह से शब्दों का चयन किया है, इससे लगता है कि आर्टिस्ट मस्ट बी अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने गाने में एक बात कही कि मैं गलियों का ज्ञान मुझे मिला है, गलियों का ज्ञान यानी कि जो इन्होंने चीज़ें सीखी हैं किताबों से तो सीखी ही हैं, या फिर मे बी नॉट, कुछ लोग रिफ्यूज़ करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, खैर हम जब स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ से सीखते ही हैं, बट मेन जो ना जीवन जीने की जो कला है वो आर्टिस्ट कह रहे हैं कि मैंने गलियों से सीखी है। काफ़ी भारी भारी लाइन्स थी, और अभी तक मैं कहूँगा ना सबसे जो बेस्ट लाइन है मुझे, जो गाने का बेस्ट बार लगा है, वो गाने की ओपनिंग लाइंस, और उसके पहले जो टूपाक, आई थिंक इट वाज टूपाक, लेजेंडरी टूपाक, यू नो, उनसे जब गाना स्टार्ट होता तो मतलब एक मिस्ट्री सी है ना, मतलब मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि देखें आगे क्या होता है, मतलब ये कुछ हार्ड लग रहा है। फ्लो स्पीचेस बढ़िया थे, फ्लो बढ़िया था, मुझे ये फ्लो से सुन के ना मुझे डिवाइन की याद आ रही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिवाइन का जैसा किया या फिर डिवाइन से इन्फ्लुएंस, नहीं, डिवाइन भाई साहब भी ऐसे ही करते हैं, स्लो करते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, हिट करती हैं, और काफ़ी लाइंस थी ना, पंच लाइंस, दिस इज़, देखो मैं जब रिएक्शन करता हूँ सो यूजुअली मोस्टली मैं वन टाइम सुन के रिएक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बार बार सुन लिया उसके बाद आके यहाँ झूठ मूठ का वो नहीं, क्योंकि ना वो फील नहीं रहता है। सो इसको मैं जितने बार भी सुनूंगा उतने बार ना कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। लिखाई बहुत ही गहरी है, और ये लिखाई पता है कलम के नोक से नहीं आ रही थी, ये लिखाई है ना यहाँ से सीधे से ना अंदर से आ रही थी, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज अवर आर्टिस्ट दी अश्वत्थामा, गाना था नो रिग्रेट्स अलाइव, और ये एक मोटिवेशनल ट्रैक है, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए आप इस गाने को प्ले करो। गाना कहाँ सुन सकते हो आप, गो टू दी अश्वत्थामा, ये इनका यूट्यूब है, 3.666K सब्सक्राइबर्स है, गाना बहुत ही फ्रेश है भाई, अप्रैल पिछले महीने आया गाना, अप्रैल 2023 तारीख को, ऑल राइट, एंड मैंने यहाँ पर देखा है लिरिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, चलो ये बहुत सही किया। कमेंट्स पढ़ लो एक बार, कमेंट्स पढ़ लो, मुझे काम का नशा, मेरे काम का है जुनून, ठीक है, चलो। सो जाके आप आर्टिस्ट को प्यार दिखाना, अगर आप आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे आर्टिस्ट का इंस्टाग्राम लिंक है, आप इनको फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम लिंक और यूट्यूब लिंक दोनों अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस आप लोग आर्टिस्ट को प्यार दिखाओ, एंड डू सेंड हिम लव, डू लेट हिम नो दैट हाउ हिज सॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड यू, इंस्पायर्ड यू। मैं अभी सुबह मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स 10:30 एंड आई एम यू नो क्या बोलते हैं, आई एम पम्प्ड अप, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली इससे। तो यस, आप लोग आर्टिस्ट को प्यार दिखाएं एंड थोड़ा मुझे भी प्यार दिखाएं, कीप लविंग, थैंक यू सो मच। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो कमेंट करके बताएं। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।